जनादेश की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना शुरू है और मतगणना के अब रुझान और नतीजे भी सामने आए हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 290 एनडीए है, 235 इंडिया गठबंधन और 18 पर अदर्स अभी आगे चल रहे हैं। कुछ नतीजे भी इसमें शामिल हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है आनंद। लखनऊ में हिंसक झड़प की खबर है। यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने हालांकि स्थिति को शांत कराने की कोशिश की और लगभग इसमें पुलिस कामयाब भी हो गई है। अब जब नतीजे आते हैं और अपेक्षा से विपरीत आते हैं तो इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के पास इस वक्त वो तमाम वजह भी हैं कि वो जोश में बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनाव के नतीजों के बीच में सामंजस्य बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अभी तो नतीजे आना शुरू हुए हैं, रुझान अभी तक जो हमारे सामने है। एक बार फिर अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, 290 एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ सीटों पर जीत की भी खबर सामने आई, 235 पर इंडिया गठबंधन और वही 18 पर अदर्स लगातार लीड लिए हुए हैं। इस बीच हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनके भी बारे में आपको बता देते हैं। लगातार बहुत खास पैनलिस्ट हमारे साथ भारत एक्सप्रेस में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रीना सिंह जी हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अखिल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रत्नाकर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल सब्जवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं रोड टू मैप। एग्जिट पोल्स में इन्होंने तमाम इंसाइट्स साझा की और किस तरीके से जनता का क्या मूड है एग्जिट पोल के जरिए ये बताने समझाने की कोशिश की, उस पर भी लगातार हम चर्चा करें कि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ राज्यों में बिल्कुल उलट हो गए, वजह क्या रही, इस पर भी चर्चा करें। और रास बिहारी जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल ये जो नतीजे हैं, 400 पार का नारा था, 400 पार अभी नहीं हो रहा, 300 भी फिलहाल नहीं होता दिख रहा है, कहां चीजें बिगड़ गई या कैलकुलेशंस में कमियां कहां रह गई। आनंद सबसे पहले मुझे लगता है बिलाल जी से इसका एक इनपुट ले लेना चाहिए। बिलाल जी आपका कमेंट, फिलहाल जो आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें से कितने रियलिटी में तब्दील होते हैं आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि क्योंकि अभी भी कुछ राउंड्स की गिनती बाकी है नतीजे अलायदा हो सकते हैं? देखिए अगर आप प्रारंभिक रुझानों की बात करें, नहीं प्रारंभिक नहीं, अब तो अच्छा खासा की तरफ जा रहे हैं, वहीं आ रहा हूँ। तो शुरू में ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन ने एक लीड बना लिया, लेकिन उसके बाद टैली मैच होती नजर आ रही और अब आके लग रहा है कि बीच में लगा कि कांटे की लड़ाई, लेकिन अब अभी भी एनडीए गठबंधन एक लीड बनाए हुए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक घंटे बाद बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी ये क्या रूप लेता है अपने आप में। लेकिन जो एग्जिट पोल ने इस देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने का काम किया, एग्जिट पोल ने जिस तरह से इस देश का माहौल बदलने का काम किया, वो कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। अभी राज बिहारी जी को भी हम सुन रहे थे और सुनील जी भी यही कह रहे थे कि एग्जिट पोल या तो सही होते हैं या गलत होते हैं। यकीनन टेंपरेरी, हालांकि क्या सेट होगा, चार दिन का वक्त भी नहीं था इस बार, टेंपरेरी होता है लेकिन वो एक साइंटिफिक अप्रोच माना जाता है। सुनील जी यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हमारे स्क्रीन पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत बताया जा रहा था और विपक्षियों का खाता भी नहीं खुल रहा था, वहां भी इंडी गठबंधन, अब मैं इसको इंडिया कह देती हूँ क्योंकि फिर आपत्ति जताई जाएगी कि आप इंडी क्यों कह रही हैं, आप तो मीडिया टेक्निकली ठीक है क्योंकि ए फॉर अलायंस है तो इंडी और गठबंधन, लेकिन जिस तरीके से कुछ राज्यों में बीजेपी को खासा नुकसान होता दिख रहा है, क्या एग्जिट पोल्स वाकई जनता की नब्ज को सही तरीके से टटोल नहीं पाए, या जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये एक तरफा था, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, जिस शब्द का इस्तेमाल बिलाल जी ने भी किया। देखिए मैम, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जिट पोल जो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है किसी एक पार्टी से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। एग्जिट पोल का एक जो साइंटिफिक तरीका होता है कि बंदा मतदान करके निकल रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, उसके इनपुट को नोट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि इससे क्या नैरेटिव सेट होता। आप सबसे पहली चीज तो ये बताएं कि अगर एग्जिट पोल में 400 पार बीजेपी को किसी एग्जिट पोल की ऑर्गेनाइजेशन ने, एजेंसी ने दे दिया था, उससे नैरेटिव क्या सेट होता। नैरेटिव सेट होने की बात अगर आप प्री इलेक्शन पोल में करते, इलेक्शन से पहले जो पोल किए जाते हैं उससे तो नैरेटिव सेट होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल से अगर आप नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बात सरासर गलत है। ये इससे एग्जांपल आप क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? दूसरी चीज, एक जो सबसे बड़ी चीज है, जब सभी एजेंसियां एक तरह से रिजल्ट दे रही हैं या कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को समझने में उतनी तरह से सही नहीं रही हैं, उसके पीछे दो कारण है। कई बार क्या होता है
कि जो वोटर्स है वो भी साइलेंट होता है, ही गो विद द फ्लो, वो उसको लगता है कि सरकार है, मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकता हूँ, मेरे साथ वाला तो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी, मुझे भी बोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, साथ वाला बोल रहा है मोदी जी, मुझे भी बोल देना चाहिए मोदी जी। अब जैसे मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको, यहाँ पर मैं कुछ सवाल सुन रही थी, जब चुनाव चल रहे थे सातों चरणों के दरमियान जो जनता है वो जब कुछ सवालों के जवाब देती है तो लोगों से पूछा गया कि आप किस आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा देश के लिए कर रहे हैं। अब जब देश के लिए कर रहे हैं तो एक दिमाग मान लिया गया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट कास्ट करेंगे, लेकिन जब उनसे आगे सवाल पूछे गए तो उन्होंने रोजगार भी एक मुद्दा बता दिया, महंगाई भी मुद्दा बता दिया, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि विपक्ष इसी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच था। राजबिहारी जी, आपका कमेंट इसको लेकर। देखिए, आपके साथ मैं पहले कई बार बैठ चुका हूँ, जो आप बात कह रही हैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी कई चरणों में जो हुई उसमें बार बार ये सवाल पूछते थे, महंगाई मुद्दा है, लोग परेशान हैं, लेकिन वोट आप देश के लिए दे के आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार नहीं है ये। अगर आप देखेंगे, देखिए 10 साल से पार्टी सरकार में, नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, और जो पार्टी का एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उसको पूरा किया है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल आप सत्ता में रहने के बाद भी अगर इतना बहुमत, अगर इतनी सीट पा रहे हैं तो एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, विपक्षी दल जिस तरह से दावा कर रहे थे हम 295 सीटें जीत के आने वाले हैं। और दूसरी एक बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया जो भी रहा हो, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी संख्या में, सोशल मीडिया भी है, लेकिन जब प्रिंट मीडिया थे तो जब अखबार थे तो अखबार अपनी रिपोर्टिंग करते थे, कई बार रिपोर्टिंग सही साबित होती थी, कई बार रिपोर्टिंग गलत साबित होती थी, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मीडिया नैरेटिव तय करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया एक नज़रिया लोगों के सामने रखता है, लोग उसको अपनाते हैं नहीं अपनाते, लोगों को जानकारी देती है, लेकिन जनता जब वोट देती है तो वो पहले ही समझ लेती है हमको किसको वोट देना है। दूसरा, आज की डेट में जिस तरह से चुनाव आयोग की बंदिशें लग गई हैं, लोग झंडा नहीं लगा सकते हैं, लोग पोस्टर नहीं बांट सकते हैं, बिल्ले नहीं लगा सकते हैं, तो माहौल भी नहीं देख सकते। पहले झंडा लगाना ये माना जाता था कि बंगाल में ये आज भी है कि TMC अगर भारी है तो दिखाई देगी आपको कि जगह जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाएंगे, किसी गांव में जाइए, शहर में जाइए, आपको पता नहीं चल रहा यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। लोग अब मन को टटोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सख्तियां भी हैं, पाबंदियां भी हैं। रीना सिंह जी, आपका रुख करते हुए, रीना सिंह के पास जाने से पहले जरा पटना चलते हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब बिहार का बड़ा रोचक चुनाव भी हुआ, और अभी जो टैली है 39 सीटों की आ रही है आशुतोष, 40 में से 33 पर NDA, 3 पर इंडिया गठबंधन और 3 पर अदर्स। आप पटना में हैं, पटना की 2 संसदीय क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब, क्या वहां से रुझान आ रहे हैं और बाकी जगहों से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, अगर बिहार के परफॉर्मेंस की बात करें तो आनंद जी अन्य राज्यों से बेहतर है, जैसे उत्तर प्रदेश या बंगाल से, और बिहार के जो NDA समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि वो हंसे या रोए अभी भी कंफ्यूजन के हालात हैं, और कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। गिरिराज सिंह पीछे चलना शुरू हो जा रहे हैं, इसके बाद रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, RK सिंह पीछे चल रहे हैं, सुशील कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पे लगी हुई है। हालांकि अभी भी NDA के जो समर्थक हैं या नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी 15 से 21 राउंड का काउंटिंग बाकी है, और ऐसी स्थिति में उलट फेर होने की गुंजाइश है। जहां तक 40 सीटों की बात करें, कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। किशनगंज सीट पे JDU लीड कर रही है, जो कि कांग्रेस की सीट रही है, और औरंगाबाद सीट जिस तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह से सासाराम सीट पे कांग्रेस लीड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कई चौंकाने वाली उत्पन्न हो रही है, और इसके मद्देनजर जो हालात उत्पन्न हुए हैं दोनों खेमों को एक तरह से कंफ्यूज कर दिया है। अभी हम थोड़ी सी तस्वीर आनंद जी दिखाना चाहते हैं। आमतौर पे 1 बजे BJP दफ्तर में रिजल्ट आने के बाद जश्न का माहौल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी तरह से शांति का माहौल है। जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से इस बात को लेकर चिंतित है कि हम करें तो क्या करें, हम जश्न मनाएं या अपनी प्रतिक्रिया दें, या शांति से उस पल का इंतजार करें जिस पल में NDA की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि BJP 272 का आंकड़ा
प्राप्त नहीं करेगी तो स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में बिहार के तमाम पार्टियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि हम जश्न मनाए तो कैसे मनाए। अगर हम बीजेपी की बात करें तो ओवरऑल मामला फंसा हुआ है, आरजेडी के पास उतनी सीटें आते हुए दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस भी अपने परंपरागत सीट लूज करता हुआ नजर आ रही है और सासाराम में एक सीट पर लीड ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम पार्टियों की स्थिति खराब है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभिषेक आड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके बाद रीना सिंह जी का रुख करेंगे। अभिषेक, राजस्थान की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरीके का सूरत हाल और किसके पक्ष में जाते ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रदीप, 2009 के बाद में कांग्रेस ने, ये तीसरा चुनाव है जब ये वापस रिवाइव किया है, करीब 11 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस अपने अलायंस के साथ में बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं पर 14 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ पर ये जो और अजमेर, ये जो सीटें हैं उन पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो करीब 2 लाख 2.25 लाख की लीड लेकर चल रहे हैं और इन सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय है, किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने जी जान लगा दी थी अपने बेटे को, जोधपुर से सीट बदलकर जालौर ले गए थे और वहां पर भी उनके बेटे ने कोई खास प्रदर्शन कुछ नहीं कर पाया। वो भाजपा के एक आम कार्यकर्ता लूमाराम चौधरी, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, उनसे करीब 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में उत्साह है, बीजेपी पिछले 2 चुनाव से लगातार हर बार 25 सीट जीतती आ रही है, 2014 और 2019 में। लेकिन अभी आज अगर हम जब देखें तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर, जहां मैं आज जयपुर में खड़ा हूं, वहां जश्न का वो माहौल नहीं है जो 2014 और 2019 में हुआ करता था। अभिषेक, हाल में ही अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और वहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन गई और बीजेपी काबिज हो गई, उसके बाद ये नतीजे, क्या ऐसा बदल गया इतने दिनों के अंदर कि जनता का मैंडेट यहाँ पर कुछ बदला सा नहीं, मैं तो कहूंगी यहाँ पर बीजेपी का टोटल लॉस है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस फिर से रिवाइव करती नजर आ रही है। देखिए, अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें, 2014 और 2019, तो जो लीडरशिप थी वो सेंट्रलाइज थी बीजेपी की, उसमें एक ओनरशिप का भाव था, वसुंधरा राजे लीड करती थी उस वक्त और वो सबसे बड़ी नेता थी उस दौर में। इस पूरे चुनाव में जब हम देखते हैं तो वसुंधरा राजे पूरे चुनाव में अपने बेटे के चुनाव प्रचार अभियान, जो कि झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे थे, उसके अलावा वो कहीं बाहर नजर आई नहीं। एक जो आम बात कही जा रही है राजस्थान में पूरे में, वो ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुना वो कमज़ोर चेहरा चुना और उसके बदौलत जो तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी वो रुतबा हासिल नहीं कर पाई, जो वो सीटें हासिल नहीं कर पाई जो 2014 और 2019 में किया था। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, उनका गृह क्षेत्र है भरतपुर, और भरतपुर में बीजेपी इस वक्त अच्छे खासे मार्जिन से पीछे चल रही है। संजना जाटव, वहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ में लीड कर रही है। तो एक लीडरशिप क्राइसिस जैसा एक उत्पन्न हो गया। और सबसे बड़ी बात कि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको टिकट मिल गया चित्तौड़गढ़ से, तो वो अपने चुनाव प्रचार में लग गए। पूरी लीडरशिप भजनलाल शर्मा के हाथ में थी, चीफ मिनिस्टर के हाथ में। हालांकि भजनलाल शर्मा ने खूब काम किया, करीब 90 उन्होंने अलग अलग दौरे किए, उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन, उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियां, सभाएं और प्रवासी मतदाता सम्मेलन, वो कई राज्यों में भी गए जहां पर राजस्थान के जो प्रवासी मतदाता हैं उनसे भी मिलने गए। तो एक तरीके से जो पूरा फोकस में चेहरा थे वो भजनलाल शर्मा थे, और अब ये जो रिजल्ट आया है तो निश्चित रूप से इसकी भी जिम्मेदारी एक तरीके से भजनलाल शर्मा की ही बनती है। लेकिन उनको समय बहुत कम मिला मेरे हिसाब से खुद को साबित करने के लिए, और जैसे ही उनके सामने ये लिटमस टेस्ट था, फिलहाल अब जब नतीजे आएंगे उसके बाद देखना होगा, असेसमेंट करना होगा कि बीजेपी का जो ये एक्सपेरिमेंट था, जब कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसने क्या असर दिखाया। मैं रीना सिंह जी का रुख कर रही हूँ। रीना जी, अभी तक कुछ राज्यों का असेसमेंट भी हमने किया और लगातार स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो आप देख ही रही हैं, और लगभग मुझे लगता है कि अब क्योंकि 1 बज चुका है, 1 बजे के बाद की जो स्थितियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती नज़र नहीं आती हैं। बीजेपी का नारा 400 पार का था, हालांकि मैंडेट तो उनको मिल ही गया है, सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बढ़ना या घटना है। बावजूद इसके, इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष ने एग्जिट पोल को लेकर के बहुत स्पष्टता के साथ कहा था कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल के नतीजों से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और वो यहाँ दिख रहा है। वोटिंग में व्यस्तता वहीं से निकला हूं मैं। उत्तर मुंबई के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार हम सेवा कर सके। अभी तक के अनुमान के हिसाब से लगभग 1.25 लाख वोटों से उत्तर मुंबई में भाजपा आगे है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई की सीट अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय होगी और पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी और फिर एक बार मोदी सरकार देश की सेवा करेगी। धन्यवाद। पीयूष गोयल के यहाँ सुन रहे थे, इस बार इन्हें राज्यसभा से नहीं लोकसभा के रण में उतारा गया था और नतीजे तो इनके हक में जाते नजर आ रहे हैं। 1.5 लाख के करीब की इनकी लीड भी बता रहे हैं ये, और वो अब मुझे लगता है कि नतीजों में कन्वर्ट हो ही जाएगा। रीना जी, सवाल आपसे पूछा था, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट पोल की तरह तो नहीं आए हैं और एग्जैक्ट पोल इससे बिल्कुल इलादा है। सोनिया गांधी को कल मैं सुन रही थी, हालांकि उनका दावा था 295। विपक्षी गठबंधन की भी कैलकुलेशन में कहीं कुछ तो कमी रह गई क्योंकि वो भी अपने आप को बहुमत बता रहे थे, तो सरकार तो उनकी भी नहीं बनेगी, बीजेपी सरकार तो बना ही लेगी। इस स्थिति को आप किस तरीके से देखती हैं? है इसके 290 है इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच में करीबन 60-65 सीटों का एक जो डिफरेंस है। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो भाजपा की 240 से 245 सीटें जो डिफरेंट अभी चैनल्स प्रेजेंटली दिखा रहे हैं जी, तो यहाँ पे जो गठबंधन है क्या भाजपा उसको होल्ड कर पाएगी? और ये जो चुनाव था ये नरेंद्र मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ा हुआ था, ये किसी और चेहरे पे चुनाव नहीं था, ये भाजपा की नीतियों पे चुनाव नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को लेकर के चुनाव था। और यहाँ पे एक हमें ये देखना होगा कि जब से देश आजाद हुआ है 2.25 से 2.5 महीने तक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं चला। इतने लंबे स्ट्रेच में जो चुनाव चला उसका रिजल्ट ये रहा कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो डिक्लाइन हुआ। बिल्कुल फर्स्ट जून को लास्ट फेज था, स्कॉर्चिंग हीट में जो लोग हैं वो बिल्कुल घर से निकले ही नहीं जी। दूसरा यहाँ पे हमें एक ये देखना होगा कि जो अलायंसेज है, अगर एनडीए के कुछ अलायंसेज इंडिया अलायंस में जाते हैं और दूसरा एक जो आरएसएस है कि एक जो एक इंटेलिजेंट विंग है या फिर एक जो पॉलिसी मेकिंग विंग है भाजपा की, वो क्या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ जाती है? और अगर हम इसको देखें तो ये भाजपा की बहुत बड़ी हार है, जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का एक नारा दिया था। ठीक है, राज बिहारी जी आप इत्तेफाक रखते हैं, रीना सिंह जी कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी और पूरा अलायंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ने गया था, लेकिन जिस तरह के नतीजे और जिस तरह का दावा किया गया था, भले ही मैंडेट इस वक्त आपके गठबंधन को मिल रहा है लेकिन आपके सामने बड़ी चुनौती होगी कि गठबंधन के जितने आपके घटक दल हैं उन्हें भी जोड़ करके रखा जाए। क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में नतीजे अगर इसी तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं तो कुछ जोड़ तोड़ वाली राजनीति आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो रुझान है अब उसी तरह के नतीजे आएंगे। तो इस रुझान से भी साफ है कि सरकार तो भारतीय एनडीए की ही बनेगी। और दूसरा, जहां तक गठक जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनकी बात है, नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़ के घटक दलों को जोड़ा है, चाहे राष्ट्रीय लोक दल रहा हो, चाहे TDP रही हो, और नीतीश कुमार तो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास फिर लौट के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल गठबंधनों में कोई समस्या आएगी, क्योंकि सरकार बंद अगर वैसे सरकार नीतीश कुमार की कल मुलाकात भी हुई थी, उस मुलाकात की बहुत ज्यादा जानकारियां साझा नहीं की गई थी कि दरअसल मुलाकात हुई, क्या बात हुई, और चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले ये मुलाकात खासतौर पर शेड्यूल होना बहुत मायने रखता है। और यही बिलाल जी, क्योंकि जब रीना जी ये बात कह रही है और उठा रही है, तो क्या ये इशारा नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है क्या? बिल्कुल, जो रीना जी ने जो बात उठाई है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। और पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप पॉसिबिलिटीज़ को ब्लॉक करके चलते हैं तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर आप गलती करते हैं। पोस्ट पोल अलायंस एंड प्री पोल अलायंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, चाहे वो गठबंधन बन रहे हों, चाहे चुनाव के बाद की क्या स्थिति होगी। राजनीति में हर शख्स अपने हितों को साझता है, अपने क्षेत्र की हितों को साझता है, अपना वोट बैंक का जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, अपना फ़ायदा देखता है। तो
ये इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। नीतीश बाबू तो एक बहुत बड़ा उदाहरण आई इसके अंदर, लेकिन आप चंद्र बाबू नायडू का पॉलिटिकल करेक्टर देखें, या बीजू पटनायक का पॉलिटिकल करेक्टर देखें, या दक्षिण के और क्षेत्रीय दलों का पॉलिटिकल करेक्टर देखें, वो भी इसे अछूते नहीं है। सब लोग अपना हित देखते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर कौन कितनी एडवांस है। वो 400 पार का गुब्बारा फट गया, बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हमने बात की है, 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड मैक्सिमम है, तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। लेकिन सबसे अजीब बात ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट तो सबको चौंका रहा है। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूँ, आपसे कहता हूँ कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूँ, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि नीतीश जी को आप बताएं कि भाई इधर आना है, आप इसके सूत्रधार रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। एक सवाल और आपसे कि कई लोग कह रहे थे नीतीश जी जो हैं डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे, और कई तरह की बात कि बीजेपी 400 पार जाएगी ही जाएगी। देखिए, नीतीश जी डबल डिजिट में नहीं जाएंगे अगर ऐसा नहीं था कभी भी, नहीं तो जिस तरह से बीजेपी ने उनको घेर करके उनको अपने साथ लाया, तो उसी समय हमें लग गया था कि हताशा बीजेपी के अंदर काफी है। बिल्कुल, लोगों का मन साफ है और संकेत दिए है लोगों ने कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हाँ, ये साफ संकेत है, लोगों ने संकेत दिया है कि आने वाले हरियाणा के चुनाव में लोग कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। हुड्डा को भी आपने सुना, पहले तो मैं इसी पर हरियाणा की सियासत पर ही चर्चा कर लेते हैं। बिलाल जी, पहले जो ये हुड्डा साहब कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी अभी हमने जबरदस्त तरीके से देखा कि उठापटक हुई हालिया दिनों में, और सरकार को तो कहा जा रहा है खतरे में आ गई, हालांकि उनके पास अभी समय है, लेकिन हरियाणा के भी जो आंकड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 4 पर कांग्रेस आगे और बीजेपी 6 पर है, और कुछ सीट्स पर बता रहे हैं 1-2 सीट्स पर बहुत टफ फाइट है, नेक टू नेक चल रहा है मामला। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी को क्लीन स्वीप बताई जा रही थी एग्जिट पोल्स में? आप प्रीति, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की जब आप बात करते हैं, पॉलिटिक्स और आंकड़े अलग अलग चीज़ होते हैं। यकीन है ये बात ठीक है कि आंकड़े एनडीए गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स भी उनके पक्ष में खड़ी हो। इसके बहुत सारे देश के अंदर उदाहरण मौजूद है। जो बात की तरफ मैं आपको इशारा कह रहा था, वही बात मनोज झा ने भी अब हमारे सामने स्क्रीन पर बोली है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन का आकार दिया था, हो सकता है वो एक नया आधार तैयार कर ले इस सरकार को आकार देने का, तो इसके पॉसिबिलिटीज को मैं डिनाई नहीं करता। ये बात ठीक है कि आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, उनका बढ़त बनी हुई है, और मोदी जी का फैक्टर था, वो उसको पूरा पुल करके लाए, उसके लिए उनको क्रेडिट देना पड़ा। तेवर और जो शब्द थे, जिन शब्दों का वो चयन कर रहे थे आनंद, मुझे लगा कि कुछ इशारों में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में समस्या ये हो चुकी है कि इतनी बार उनका आना जाना हो चुका है कि घर वापसी किधर हुई ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको लेकर के हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे, आज भी बैठ सकते हैं, हो सकता है कल भी हमारी बैठक हो, निश्चित रूप से समीक्षा की जाएगी। अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ जब मंच साझा कर रहे थे, और पहली बार जब इस चुनाव के दौरान उन्होंने साझा किया, तो कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब कहीं नहीं जाना है, अब यहीं रहना है और 400 पार कराना है, लेकिन क्या इस तरह की चर्चाएं वहां भी शुरू हो गई हैं आशुतोष?
आ रहे हैं। आम लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा प्राप्त कर पाएगी, और यदि आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाएगी तो नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस है, अभी तक के 16 सीटों में से 15 पर नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। ऐसी स्थिति में मजबूती से नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं और लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को बार्गेन करेंगे या कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी मजबूर हो जाएगी। ये आम लोगों के बीच चर्चा है। हालांकि जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश कुमार से संपर्क भी किया है कि यदि प्रॉपर मैंडेट इंडिया गठबंधन को मिलती है तो ऐसी स्थिति में आपका स्वागत है। तो अब गेंद जो है पूरी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में है। चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बातचीत की और तमिलनाडु माफ करेंगे आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है और टीडीपी लोकसभा के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन की है, तो इसको लेकर अब बातचीत भी शुरू हो गई है। एक तरह से वो सारी खत्म हो गया ना, क्योंकि हम स्क्रीन पर वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। 135 पर यहाँ पर गठबंधन है बीजेपी के साथ में, अलायंस टीडीपी को पूर्ण बहुमत मिला है यहाँ पर। वहीं अगर दूसरी तरफ अपोजिशन वाले इनके खेमे की बात की जाए तो मतलब आधे से भी कम यहाँ पर जितना बीजेपी ने कैंप किया, जितनी रैलियां की, जितने जनता के बीच पहुंच करके वोट अपील की, उसने नतीजे बीजेपी को दिए हैं। डाउन साउथ में मेहनत दिखाई दे रही है। और ये सुनील जी जो आप लोगों ने सर्वे किया एग्जिट पोल में, वो आंध्र प्रदेश का तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ। क्या आप जब सर्वे कर रहे थे, आप जब पूछ रहे थे, तो अगर बिहार या आंध्र प्रदेश के की जो बात हो रही है उसमें नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बातचीत हुई और आप अगर उनके बारे में पूछा उन मतदाताओं से, जनता से, तो क्या उन लोगों ने भी कुछ संशय उन लोगों के अंदर भी था क्या? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप बिहार में नीतीश कुमार की बात करें तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में तो संशय था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को ज़्यादा फायदा अपनी पार्टी की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के वजह से उन्हें बिहार में मिल रहा है। क्योंकि अगर उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता देखें तो 3-4% के करीब में कम हुई थी, कहीं ना कहीं इस ढिलमुल रवैये की वजह से। दूसरी एक चीज़ मैं आपको जो एक कयास लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे पैनल के लोग भी कह रहे थे, आप देखेंगे कि अभी भी इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें और एनडीए की बात करें तो लगभग 55-57 सीटों की एक डिफरेंस है। अगर यह डिफरेंस 10-15 या 20 के करीब में होता तो यह मैनेजेबल सिचुएशन में होती। टीडीपी की अगर बात करती है, क्योंकि स्टेट में उनको सरकार चलाना है इसलिए वो बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, अलायंस में सरकार चीजें आए हुए हैं और सिर्फ नीतीश बाबू के कंधे पर रखकर सरकार इंडिया गठबंधन नहीं बना सकती है। तो यह जो कयास लगाई जा रही है, मुझे लगता है यह सिर्फ कयास है। भारतीय जनता पार्टी को एक सलाहकार के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर, जो 300 के आंकड़े का जिक्र किया जा रहा था और भारत एक्सप्रेस लगातार शुरुआत में मैंने, हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने भी जब अपना वोट कास्ट किया था तो उनसे पूछा गया था कि आपका पर्सनल क्या आकलन है, तो उन्होंने 300 कहा था कि 300 प्लस तक इंडिया गठबंधन को सीटें मिलनी चाहिए। और इस बीच एक डेवलपमेंट और, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर अपना चुनाव जीत गए हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर अपना चुनाव जीत गए हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव जीत गए हैं। जलंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, हालांकि पंजाब का मुख्यमंत्री पद तो उन्हें नहीं भाया, जनता ने पिछली बार वो मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीत गए हैं। अनुराग ठाकुर की जीत हो गई है। मंडी से कंगना रनौत भी जीत गई हैं। मंडी को लेकर के पहले मैं रास बिहारी जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि मंडी का मुकाबला बहुत जबरदस्त था। मंडी में मुकाबला बनाया गया था क्योंकि जिस तरह से विक्रमादित्य को आखिरी दौर में उतारा गया, ये माना जा रहा था कि वो कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अगर हम यहाँ की बात करें, जो 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 पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर लड़ रही है, दोनों सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीट पर आगे चल रही है। ये जरूर बात है कि लड़ाई बड़ी कांटे की रही, क्योंकि कंगना रनौत कभी आगे रही, कभी पीछे रही। लेकिन बाकी सीटों पे भी देखेंगे, अगर एक हमीरपुर की सीट अगर आप छोड़ दें कि हमीरपुर सीट पे अनुराग ठाकुर लगातार आगे बने रहे, लेकिन बाकी सीट पे देखेंगे, जैसे शिवशिमला सीट पे कभी कांग्रेस आगे हो गई, कभी बीजेपी आगे हो गई, तो इन इन 2 सीटों पे लड़ाई बड़ी मजबूत रही।
लेकिन आप उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में पांचों सीटों पे हमला हमेशा बीजेपी आगे चलती रही। तो इसको मान सकते हैं कि ये जो पर्वतीय उत्तर भारत के ये जो पर्वतीय राज्य हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि हिमाचल पर सुक्खू की भी देखिए साख यहाँ पर दाव पे लगी हुई है और उनकी सरकार का भविष्य भी नतीजों पर काफी कुछ निर्भर करता है कि हिमाचल का मैंडेट क्या रहता है। वहां पर उपचुनाव भी हुए हैं, उनके नतीजों को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो 6 बागी थे उनकी वजह से सरकार की नैया डूब भी सकती है और नतीजे जो है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन विक्रमादित्य को जिस तरीके से मैदान में उतारा गया था, उनके बागी तेवर भी सबने देखे, और आखिरी समय में क्योंकि कंगना के मुकाबले पार्टी के पास कोई और बड़ा चेहरा था नहीं और विक्रमादित्य के जाने से नुकसान हो सकता था, तो ऐसे में जो मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी उसने भी नतीजे नहीं दिए। शाही परिवार को जो बॉलीवुड का ग्लैमर होता है उसने धूल चटा दी। उसमें एक चीज और था कि मंडी में गया भी था, जो अब तक चुनाव हुए हैं 20-21 चुनाव वहां हुए हैं उसमें से 14 कांग्रेस जीती है और 6 चुनाव जो है वो वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी ने चुनाव में जीत दर्ज की है। और बाई इलेक्शन जो हुआ 2021 में उसमें उस समय जयराम ठाकुर वहां सीएम थे, बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की प्रतिमा सिंह वहां से चुनाव जीती और इसलिए ये माना जा रहा था कि इस बार मंडी एक बार फिर से उस परिवार के साथ जाएगा। कुछ बयान ऐसे आ रहे थे, रानी को लेकर एक डेवलपमेंट आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी से 69,000 वोटों से पीछे चल रही है। यहाँ पर देखिए स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी और अब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर खुद अमेठी में उतर जाते तो ये मार्जिन और बड़ा हो जाता। बिलाल जी से कमेंट चाहूंगी इसको लेकर, क्योंकि यहां तो बीजेपी की तरफ से जब राहुल गांधी रायबरेली चले गए तो ये कहा गया कि डर गए हैं लिहाजा अमेठी नहीं आए, और कांग्रेस पार्टी से सिर्फ एक स्केप गोट को यहां मैदान में उतार दिया गया क्योंकि किसी को तो उतारना ही था, इस सीट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। देखिए इस बार ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने राहुल गांधी को सेफ साइड रखा एक अवधारणा के अंदर। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी को उतारने में एक प्रेशर फील कर रही थी, लेकिन जहां से वो जो फीडबैक्स मिल रहे थे उन फीडबैक्स के आधार पर राहुल गांधी के लिए इस सीट को क्लियर माना जा रहा था। लेकिन इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस सीट पर उनकी हार का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने एक कार्यकर्ता को उतारा, ये कह सकते हैं प्यादे से एक रानी को पिटाने की कोशिश की गई है, तो उसमें स्ट्रेटेजी में कांग्रेस कामयाब नजर होती आ रही है। वहीं मंडी वाली बात थी तो इस बार देखिए दो चीज़ें, हीरा मंडी और मंडी बड़ी पॉपुलर रही हैं इस इन चुनाव के अंदर। वही राजस्थान का आप जिक्र, राजस्थान का आप जिक्र कर रही थी, राजस्थान में यकीनन कांग्रेस ने सरकार लूज करने के बाद लोकसभा में कमबैक किया। यही धारणा अगर आप कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने बैक किया था उससे, तो ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस बल्कि मध्य प्रदेश में उतना नहीं कर पाई जितनी हमें अपेक्षा थी। कमलनाथ और उनके बेटे की जो तेवर थे वो मुझे लगता है कि पार्टी को नुकसान दे गए, क्योंकि एक समय तो खबरें जो आई थी वो आप भी बिलाल जी जानते हैं कि बीजेपी में खेमे तक के जाने की बात होने लगी थी कि कमलनाथ नाराज चल रहे हैं बेटे के लिए, टिकट को लेकर जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वो होता नजर नहीं आ रहा, और फिर खबर ये आई कि बीजेपी के खेमे में भी जा सकते हैं, बीजेपी की तरफ से तो उनके स्वागत की बातें भी कही जाने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो जनता को वो पसंद नहीं आया। बिल्कुल माइट बी यू आर राइट कि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो लॉयलिस्ट वोट होता है वो फिर आपकी तरफ कन्वर्ट नहीं होता, वो आपको शक की नजर से देखना पड़ता है। तो नकुल के साथ जनता को ये भी लगा ना कि हम अगर कांग्रेस को दे भी देते हैं अगर वोट तो एक सीट बचाने से कुछ फायदा नहीं होगा, हालांकि पिछली बार जो एक सीट बची थी इस बार वो भी गवाई जा रही है। जी जी, मेरा इशारा वही है जो आप कह रही है, मैं बात को एंडोर्स कर रहा हूं। महत्वपूर्ण कौन ये भी है कि सचिन पायलट ने वहाँ बड़ी मेहनत की, तो सचिन पायलट को अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रोजेक्ट करते हैं सीएम के तौर पे, क्योंकि उनको तो अलग थलग रखा था, मंत्री पद से हटा दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जो 2018 में मेहनत की थी सचिन पायलट ने उसको उनका फल नहीं दिया गया। अगर सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान में बागडोर होती दो विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की तीव्र तरह हार नहीं होती, और शायद लेकिन सचिन के साथ भी वही फैक्टर जुड़ा होता है, माने जाते हैं। जो अभी प्रीति बात कर रही थी कमलनाथ को लेकर, वो फैक्टर आज भी मौजूद है सचिन पायलट को लेकर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हैंड एंड ग्लव्स करने की कोशिश की थी, लोग उन पर आज भी ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर मैं रीना जी का एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। रीना जी, स्मृति ईरानी को लेकर के मैं आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी 69,000 वोटों से पीछे चल रही है केएल शर्मा से। अमेठी के अंदर जो लोगों का एक ग्राउंड पे स्मृति ईरानी जी को लेकर के था व्यू,
वो ये था कि स्मृति ईरानी जी बहुत ज्यादा आउटस्पोकन रही है। अगर वो हमने जैसे कि उनके इंटरव्यूज में भी देखा होगा, वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन, तो वो जो एक वोटर है वो ऐसी चीजें लाइक नहीं करता। मैं रोक रही हूँ यहाँ पर रीना जी, यहाँ एक कमेंट इस पर भी चाहूंगी। रुझानों में अब एनडीए गठबंधन 300 के पार पहुंच गई है, 300 के आंकड़े को पार कर लिया है। 301 सीटों पर इस वक्त एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अब 224 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स 18 पर लगातार एज इट इज बने हुए हैं रुझानों में। आनंद, बिल्कुल, और ये 18 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 18 एक तरह से एक भाग्यशाली साबित हो सकते हैं किसी के लिए भी, जिधर भी ये स्विंग कर जाएंगे उसके लिए एक फाइनल लाइन, एक क्लियर लाइन कर देंगे। लेकिन अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी के बाद भी 300+ का वो एक आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कुल टोटल टैली कहाँ पर आके सेटल होती है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो एनडीए गठबंधन के ग्रिप में है, ग्रिप में है बिल्कुल। और रीना जी अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सवाल जो प्रीति का था स्मृति ईरानी को लेकर, और आप जो कह रही हैं कि वो काफी वोकल रही हैं, वही वोकल मंडी में कंगना रनौत थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी, और जयराम ठाकुर को वहां पर लगा दिया गया। वो एक स्ट्रेटजी थी और उस स्ट्रेटजी का फायदा भी मिला। और यहां पर क्या उसी वो स्ट्रेटजी नहीं दिखाई दी, खुलकर वो बोलती रही, उसका असर दिखाई दे रहा है अमेठी में इस बार? रही है पिछले 5 साल में, और जो कंगना रनौत जी हैं वो एक पैराशूट ड्रॉप कैंडिडेट है। देखिए यहाँ पे हमें स्मृति ईरानी जी और अमेठी को उत्तर प्रदेश के सभी रिजल्ट से लेकर के देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो ठाकुर वोटर्स थे उनका जो एक ओपनली अपमान किया गया, जैसे कि प्रतापगढ़ की सीट थी और कौशाम्बी की सीट थी, यहाँ पे अनुप्रिया पटेल थी। दूसरा एक जो गाजियाबाद के आसपास की जो ठाकुर भावबल क्षेत्र रहे वहाँ पे नकारा गया। योगी आदित्यनाथ जी की कई रैलियों में जो बाकी जैसे अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, मेरठ के अंदर पोस्टर में उनकी तस्वीरों को जगह नहीं दी गई, तो लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा रोष था। और अरविंद केजरीवाल की जो स्टेटमेंट थी जो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के रही वो भी बहुत ज्यादा निर्णायक रही, जिसका बहुत ही हम लोग कम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मेजर उसमें पॉइंट रहा है कि किसी भी भाजपा के बड़े नेता ने उस चीज का खंडन नहीं किया, तो लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में और जो योगी आदित्यनाथ जी की टीम है उसके अंदर ये रोष था कि किसी भी पार्टी, दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उन्होंने क्यों खंडन नहीं किया। हालांकि नरेंद्र मोदी जी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था 75 वर्ष के होने पर उन्हें हटा दिया जाएगा, उसका 24 घंटे में ही खंडन हो गया। लेकिन रीना जी यहाँ पर दिल्ली की जनता पर अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, यूपी बिहार की जनता पर अगर इसका असर पड़ता है तो फिर ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या यूपी और बिहार की जनता ज्यादा संजीदगी से लेती है। उनकी जमानत का भी कोई असर नहीं आया। अयोध्या में भी देखना होगा कि अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, भगवान रामलला वहाँ पे विराजे और अभी भाजपा वहाँ से पीछे चल रही है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल उसको देखना होगा। यहाँ पर मैं सुनील जी एक बार फिर आपका रुख करते हुए, सबसे पहले मैं आपको अमेठी पे, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा था और लगभग 2 सप्ताह तक था, अमेठी में सिर्फ वोकल होना कहीं ना कहीं स्मृति के हार का कारण नहीं था। मैं लगभग 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला। लोगों का कहना था कि भाई हमने एक टर्म दिया, दो टर्म दिया, लेकिन अगर कोई भी समस्या लेकर जाते हैं स्मृति के सामने कि इस एरिया में कमजोर हैं, ऐसे हैं, तो वो कहती हैं कि आप अपना काम करिए, मैं सब चीजों को ठीक कर लूंगी जो है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े धड़े में ऑन द कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुझसे कह रहा था कि इसे जब हराएंगे तब ये मानेगी। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो चीजें चल रहा, लेकिन वो अपने आप को वहां के होने की साबित करने के लिए घर भी लिया, गृह प्रवेश भी कराया। देखिए घर लेना अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतने के लिए जब तक संगठन आपके साथ में नहीं है, कार्यकर्ता आपके साथ में नहीं लगता है, तब तक बीजेपी से तो कम से कम चुनाव आप आनंद जी देखिए यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे करीबी कार्यकर्ता को टिकट दिया, यहाँ पर राहुल गांधी को उतारा जा सकता था, और अगर राहुल नहीं तो गांधी परिवार से उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी इच्छा जता रहे थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया। एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के एक मैसेज दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता भी बहुत
जरूरी है और महत्व का रखता है। अमेठी जैसी बहुत महत्वपूर्ण सीट पर केएल शर्मा को उतारना अपने आप में उनका प्रोजेक्शन बड़ा कर गया, जबकि स्मृति ईरानी इसको राहुल गांधी का डर खौफ बताती रही और अब वो नतीजों में दिख रहा है। वहीं साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पे जाके कंपेन नहीं किया, उनके पास उसके फीडबैक मौजूद थे कि उस क्षेत्र के अंदर एंटी इनकम्बेंसी हावी है, तो इसलिए भी उन्होंने इस चीज़ की एहतियात बरती। वहीं अगर एक बार ये फिर मुकाबला राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होता तो फिर कंट्रास्ट हो जाता। बिल्कुल, और ये थोड़ा सा जब सुनील जी आप उसको जरा कंक्लूड कीजिए, और इसके साथ ही कि आरएसएस की भूमिका इस चुनाव में आप ने किस तरह से देखा, देखिए क्या समझा? देखिए अगर मैं पूरे भारत पे बताऊं, मैं आरएसएस के तमाम प्रदेश प्रमुखों से मिला, वैसे तो कुछ सामने से बात नहीं करते हैं लेकिन जब उनके साथ आप चाय पीजिए तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात खटकती जरूर है कि जो 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है हमें वह इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में। और होता क्या है, जब ऊपर हवा होती है तो नीचे जो आरएसएस का कार्यकर्ता है उस तक भी चीजें जाती है, ये दूसरी चीजें थी। दूसरी चीजें देखिए क्या है कि मैंने अपनी पुस्तक रोडमैप टू विन इलेक्शन इन लास्ट और में लिखा कि जो है हारने से पहले एक चीज आपको समझना होगा कि डर के आगे जीत है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए डरना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों में, कैबिनेट लोगों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने पांचवी बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहां के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से ओम प्रकाश, आपका रुख करते हुए आप तो पहुंचे भी थे हमीरपुर में, अनुराग ठाकुर को लेकर के जो वेव्स थी वो आप पहले ही जनता की नब्ज को समझ चुके थे। आपने कहा भी था कि पांचवी बार भी जनता इन्हें सरमाथे बिठाने जा रही है, नतीजों में वही हुआ। इस वक्त चंडीगढ़ को लेकर के भी आपका इनपुट चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला, मनीष तिवारी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं? जी थोड़ा मुझे समय दीजिएगा मैं बताऊं। पहले मैं चंडीगढ़ से शुरू करता हूं। मनीष तिवारी जो कि अभी 10,000 की बढ़त बनाए थे 11वें राउंड में जो है, हालांकि बढ़त तो बनाए हैं लेकिन 6500 की उनकी बढ़त हो गई है, तकरीबन 43,000 करीब उनके वोट हैं और तकरीबन 1,36,000-38,000 संजय टंडन के हैं बीजेपी के, तो धीरे धीरे उनकी लीड कम हो रही है। उसके बाद आपको मैं हरियाणा की बात बता दूं तो 5 सीटों पर जो है कांग्रेस लीड कर रही है, जिसमें जो मैंने पहले भी बताया था कि हिसार, सिरसा, रोहतक और अम्बाला जो ये सीट है, और उसके बाद गुड़गांव जो सीट कही जा रही थी कि वहाँ राज बब्बर का क्या होगा, लेकिन जिस तरह राज बब्बर चुनाव लड़े और जो उनका क्रेज है वो काम आ रहा है। आपको और बता दूं कि 2 सीटें हैं जिस पर कंटेस्ट बहुत क्लोज है, एक सोनीपत है, वहाँ 5 पहले तो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे लेकिन 5,000 से पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट पर भी वो आगे बढ़त बनाएंगे। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र से, वहाँ सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी कमो बेस 5 से 6 हज़ार का अंतर है लेकिन अभी लड़ाई बहुत है वहाँ पर। और रही बात भिवानी की तो वहाँ कांटे की टक्कर चल रही है अभी, हालांकि तकरीबन 20,000 वोट से ज्यादा से इलेक्शन ब्रेकिंग। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की और देखिए मनोज झा यही इशारा कर रहे थे, हम चर्चा कर भी रहे थे, और इधर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है स्टालिन, बड़ी अपडेट। बिलाल जी का कमेंट ले लेते हैं इसके ऊपर, बिलाल जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि पॉलिटिक्स के अंदर संभावनाओं को नहीं नकारा जा सकता, पॉलिटिक्स संभावनाओं का ही खेल है।
और देखिए ये इसका मतलब ये नहीं कि शरद पवार ने अगर बात कर लिया स्टालिन चंद्रबाबू नायडू से बात करें कि ये मामला पूरी तरह सेटल ही हो जाएगा, लेकिन ये संभावनाओं के हमने ऐसा कुछ देखा था कि गठबंधन किसी और के साथ था लेकिन सरकार किसी और की बनी थी, महाविकास अघाड़ी को लेकर के महाराष्ट्र में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये जो बातचीत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद हालांकि दे दी थी लेकिन फिर वो भी पीछे नहीं है, उस खेमे से भी मुबारकबाद हो रही है, बातचीत हो रही है, क्या कोशिश? देखिए मैंने कहा कि ये बैकडोर टॉक है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उनको निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल राशिद ने हराया है। जी बिलाल जी अपनी बात, तो हम ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में जो संभावना है उसको नहीं नकारा जा सकता, बैकडोर चैनल से सभी लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी तक इंडिया एनडीए गठबंधन के ग्रिप में सारा मामला है। हाँ ये बात है कि वैकल्पिक जो व्यवस्था है या पॉसिबिलिटीज है उसको पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते, सब लोग ये देखते हैं कि अपना हित कहां पर है। ऐसे मामला के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर का जो प्रलोभन होता है उस पर आप कहीं भी स्लिप कर रहे हैं, समझना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में भी जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को सहानुभूति के वोट भी मिले हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी वही सहानुभूति के वोट्स फायदा करा रहे हैं महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में, यहाँ पर जो बढ़त बनी हुई है। झारखंड क्या तस्वीर मधुकर, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम को लेकर जो तस्वीर है वो क्या है, इस बीच पहले ब्रेकिंग देख लेते हैं, ब्रेकिंग लगातार आ रही है अब और हम नतीजे भी आने लगे हैं। जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है, भारतीय जनता पार्टी को जयपुर से बड़ी सफलता मिली है और ये आगे चल रही थी, मंजू शर्मा ने जीत हासिल कर ली है जयपुर संसदीय क्षेत्र से, बीजेपी को यह जीत मिली है। जेएमएम को लेकर के मधुकर से सवाल किया था, जरा जेएमएम को लेकर के क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है मधुकर झारखंड से? देखिए झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में सबसे पहले तो मैं रांची के मतगणना केंद्र पर हूं और अभी अभी आठवें राउंड का परिणाम आया है कि संजय सेठ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 1,00,000 से अधिक मतों से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय से आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो झारखंड में जो 5 ट्राइबल सीटें हैं या 5 जो सुरक्षित सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए, उन 5ों पर बीजेपी की स्थिति खराब हुई है और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जिस तरह से हेमंत सोरेन की चर्चा जो आप कर रहे थे तो हेमंत सोरेन के जेल जाने का असर जो है वो ग्रामीण इलाकों में, हम लोग शुरू से ही ये बात करते रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में उसका असर दिख रहा है, उसका रिएक्शन दिख रहा है। तो 4 सीटों पर तो शुरुआती दौर से ही लगातार बीजेपी के प्रत्याशी पीछे रहे हैं और इसमें सबसे आश्चर्यजनक जो परिणाम है वो परिणाम मतलब अंतिम तौर पर नहीं है लेकिन जो परिणाम अभी तक है उसमें खूंटी संसदीय सीट से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने, अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनको बुरी तरह से हराने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। जो अंतिम सूचना मुझे मिली है उसमें लगभग 50,000 मतों से वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है क्योंकि उनको, अर्जुन मुंडा को देखा जाए तो जनजातीय कल्याण का मंत्री बनाया गया था, ये सोचकर बनाया गया था कि आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, ऐसे में झारखंड में आदिवासियों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी को भी जिस तरह से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, जेवीएम से लाया गया, तो अभी कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात हो रही थी, सबके अंदर ये आक्रोश है कि जिस तरह से बाबूलाल जी के आने के बाद कहीं ना कहीं झारखंड विकास मोर्चा जो है वो बीजेपी पर हावी रहा है, ये तमाम बातें जो है अब परिणाम जिस तरफ जा रहा है उसके बाद कार्यकर्ता भी अपने आक्रोश को निकाल रहे हैं, जो चुप थे वो बोल रहे हैं और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पूरे देश में बीजेपी की स्थिति पहले की तुलना में खराब हुई है उसमें एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। सर इस तरह की बारी है कि जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की, मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। सर जो सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की उसको लेकर आपने तारीफ भी जाहिर करी है कि मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं, हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है।